हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस दिवाली के ओकेशन के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सूजी और बादाम से बनी बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी की रेसिपी। तो आइए बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रख दिया मैंने एक पैन, इस पर रख दूँगा। इसमें डालूँगा मैं लगभग 1/3 कप चीनी। अब इसमें डालूँगा मैं 1 कप पानी। इसमें डालूँगा मैं लगभग 10 से 12 केसर के धागे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और हमें एकदम चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है इसकी। तो चाशनी बनने के लिए हमने छोड़ दिया है। अब एक पैन में मैं डालूँगा 2 टेबलस्पून देसी घी। इसको हम हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। तो घी जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर डालूँगा मैं 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी ली है मैंने, अगर आप मोटी सूजी ले तो उसे एक बार पीस ले। तो इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक लगातार चलाते हुए कुक करते जाएंगे। और ध्यान रहे, गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम ही होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो सूजी है वो जल सकता है। तो आप देख सकते हैं सूजी तो हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, यानी कि इसका कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी सूजी कुक होकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर, सूजी को हमने अच्छे से भून लिया है। तो बस इसी तरह हम इसे थोड़ी देर और चलाते रहेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। तो हमारी चाशनी है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं केसर ने अपना रंग छोड़ दिया है। अब हाथ से हम इसे दोनों उंगलियों के बीच में दबाकर देख लेंगे कि चाशनी हमारी एकदम चिपचिपी बनी है। तो कोई तार नहीं बन रहा है, बस हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो चाशनी हमारी बन चुकी है। अब इस चाशनी को मैं डाल दूंगा इस सूजी के मिक्सर में, यानी कि जो सूजी हमने कुक की थी। तो जो चाशनी को हमने सूजी में डाल दिया है, अब इसके अंदर मैं डालूंगा लगभग 1/3 कप बादाम का पाउडर, यानी कि जो बादाम लिया था उसको मैंने पीस लिया है और 1/3 कप इसका पाउडर ले लिया है। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। अब इन सभी को हमें स्पैचुला से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसी स्टेज पर हमने गैस की फ्लेम जो है एकदम लो कर दी है। तो अब हमें इसे एकदम लो फ्लेम पर इसी तरह कुक करते जाना है जब तक इसका टेक्सचर है एकदम बर्फ़ी जमाने जैसा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है, यानी कि जो यह टेक्सचर है या पतला था अब ये गाढ़ा हो चुका है। तो बस इसी तरह हमें इसे थोड़ा और कुक करना है। और थोड़ा सा जो इसका डो है जो हमने बनाया है, इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हमें ठंडा कर लेना है। और इसको हमें बीच में रुकना नहीं है और इसे चलाते ही जाना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा और जल भी जाएगा। तो ये जो हमने प्लेट में डाला था थोड़ा सा डो, इसको हम दबा कर देख लेते हैं और इसको गोल गोल करके देख लेते हैं कि हमारी बर्फ़ी जो जमने लायक है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका एक गोल गोल हमने बॉल बना लिया, यानी कि हमारी बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद। और एक यहाँ पे लिया मैंने स्क्वायर केक टिन, ये 6 इंच का केक टिन है। इसको हम घी से अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे। तो केक टिन को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे हमारा बर्फी का मिक्सचर। तो इसे हमें इसी में जल्दी जल्दी इसे प्रेस करते हुए इसे चारों तरफ हमें इसे सेट कर देंगे। ध्यान रहे, जो प्रोसेस करना है हमें गरम गरम मिक्सर में करना है, ठंडा होने के बाद ये मिक्सर है जम जाएगा। तो सारे कोनों में हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे अच्छे से। तो बर्फी के मिक्सर को हमने अच्छे से प्रेस करके सेट कर दिया है। तो अब इसे हम तुरंत इसमें कट के निशान लगा देंगे, क्योंकि सूजी की बर्फी है, इसलिए क्योंकि जमने के बाद इसमें हम निशान नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम इसे तुरंत ही हमें शेप में कट के निशान लगाने पड़ेंगे, यानी कि हमें बर्फी को मनचाहे शेप में काटना पड़ेगा। तो बर्फी को मैं 9 पीसेस में कट कर रहा हूँ। तो बर्फी में मैंने कट के निशान लगा दिए हैं। अब मैंने 1 बादाम के 2 टुकड़े कर लिए हैं और बादाम को मैं इस तरह उल्टा करके इस पर चिपका दूंगा। ध्यान रहे, ये प्रोसेस हमें गरम गरम में ही करना है, नहीं ठंडा होने के बाद ये सेट नहीं होगा। तो सारे बादाम को मैंने अच्छे से ऊपर लगा दिया है।
अब इसको हम लगभग 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह ठंडा होने के लिए। तो हमारी बर्फ़ी है वो सेट होकर तैयार हो चुकी है। अब इस बर्फ़ी को हम केक के जो बोर्ड है प्लेटफॉर्म पर पलट देंगे। तो इसके ऊपर मैं रख रहा हूँ चॉपिंग बोर्ड और इस बर्फ़ी को मैं इसी तरह पलट दूंगा। सारी की सारी बर्फ़ी आसानी से निकल कर बाहर आ जाएंगी। तो दोस्तों बर्फ़ी हमारी निकल कर बाहर आ गई है। ये जो बादाम है इसका हट चुका है, इसको हम वापस लगा देंगे। दोस्तों हमारी बर्फ़ी अब बनकर तैयार हो चुकी है। तो इन बर्फ़ी को मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो इस पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।